फ्रेंड्स, दिस इज अभिमन्यु एंड वेलकम टू योर ऑन चैनल। सो गाइज, टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी अ मस्ट बी इंटरेस्टिंग फॉर ऑल द एंड यूजर्स हु आर लुकिंग टू बाई अ रेजिडेंशियल अपार्टमेंट इन अ गुड़गांव। सो ये वीडियो ना बिगिनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो नए नए मार्केट में सर्च कर रहे हैं ऑप्शंस की यार कोई रेजिडेंशियल अपार्टमेंट मिल जाए जहाँ पे सारी अमेनिटीज मिल जाए, अच्छी स्पेसिफिकेशंस मिल जाए एंड उनके बजट में आ जाए। सो राइट नाउ वी आर हियर इन अ न्यू गुड़गांव एंड कवरिंग अ मोस्ट डिमांडिंग प्रोजेक्ट ऑफ द न्यू गुड़गांव। बेसिकली किड सेंट्रिक टाउनशिप है, सेक्टर 93 इज अ लोकेशन, थ्री फेसेस EOI बेसिस पे सोल्ड आउट हो गए। सो आज हम बात करेंगे फेस 4 की एंड पूरे प्रोजेक्ट को डिस्कस करेंगे, द काइंड ऑफ अमेनिटीज, स्पेसिफिकेशन, डेंसिटी, ईच एंड एवरीथिंग। हम सारी चीज़ें आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं एंड आपको सैंपल फ्लैट भी विजिट करवाएंगे। सो मेरे साथ है पीयूष आहूजा जी फ्रॉम द आशियाना हाउसिंग। So sir will tell us each and everything about the project. So hi sir, how are you? I'm good, how are you? All good sir. So good morning everyone. So I'm Piyush, I'm here in sales teams. So right now hamara jo project hai wo fourth phase aane wala hai, within next 30 to 40 days mein hum launch kar denge. Isse pehle jo aap ye project dekh rahe hain pura, ye ek kid centric township hai. Yahan pe major focus jo hai aur jo major activities hain hamari wo sirf kids ke liye rehti hain. सो उसके लिए हमने एक स्पेशल लर्निंग हब भी बनाया जो हम आपको स्पेशली एक अच्छे मॉडल में, बड़े मॉडल में दिखाएंगे। एक पूरी प्ले स्ट्रीट है जो 75,000 स्क्वायर फीट की है, वो अगेन हमने बहुत सारी 20 प्लस अमेनिटीज़ बच्चों के लिए डाली है, वो अलग से आपको दिखाएंगे। एंड एक 2 एकड़ का हमने एडवेंचर पार्क बनाया, उसमें भी बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चों की ग्रूमिंग के लिए काम आती हैं वो हमने अलग से एक 2 एकड़ का पार्क बनाया है। तो कंप्लीट अगर आप सोसाइटी देखेंगे तो किड सेंट्रिक सोसाइटी है जिसमें बच्चों का फ्यूचर सिक्योर रहता है और बच्चे चाहे किसी को कोई भी एक्टिविटी सीखनी हो, फॉर एन एग्जांपल किसी को बैडमिंटन सीखना हो, लॉन टेनिस सीखना हो या फिर पढ़ाई करनी हो, स्टडी रूम है हमारे पास, उसके लिए लाइब्रेरी है, म्यूज़िक है, डांस है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, जो हमारा क्लब हाउस है उसमें सारी मॉडर्न अमेनिटीज़ हैं। तो अगर आप देखेंगे तो कम्प्लीट एक पैकेज है एक बच्चों के लिए जो 2 से 16 साल के बच्चे हैं जिनको डिसाइड करना होगा कि फ्यूचर में जाके क्या करना है, वो डिसाइड कर सकते हैं कि उनकी क्या हॉबीज़ हैं। जब वो 15 से 20 एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होंगे तो उनको पता लगेगा उनका इंटरेस्ट किस तरफ है। सो ये हमारी 22 एकड़ की टाउनशिप है, 21 टावर्स हैं। ये जो आप हमारे देख रहे हैं 4 टावर, ये फेज़ 1 में आए थे, कम्प्लीटली सोल्ड आउट हो गए थे विद इन 1 डे। 5, 6, 7, 8 जो ये 4 टावर आप देख रहे हैं ये भी कम्प्लीटली सोल्ड आउट हो गए थे विद इन 1 डे। अभी रिसेंटली हमने 20 डेज पहले 9, 10, 11, 12 ये 4 टावर हमने लॉन्च किए थे, ये कम्प्लीटली विद इन 15 मिनट्स हमने 224 फ्लैट सोल्ड आउट कर दिए थे। सो इस तरीके की डिमांड है आशियाना हमारा की। देन जो हमारा अपकमिंग फेज़ है उसमें 5 टावर्स हम लॉन्च कर रहे हैं, 280 यूनिट्स है उसमें, 13, 14, 15, 16, 17 ये 5 टावर्स हम लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें से 3 टावर्स हमारे 3 BHK 3 टॉयलेट के रहेंगे, जिसका सैंपल हमारा ऑलरेडी रेडी है, आप अभी अपकमिंग वीडियो में देखेंगे भी। एंड बाकी दो टावर्स हैं वो 3 BHK 2 टॉयलेट हैं। देन जो आप ग्रीन एरिया देख रहे हैं, कंप्लीट ग्रीन एरिया 6.7 एकड़ है, तो 22 एकर्स का हमारा कंप्लीट लैंड है, 1/3 इज द ग्रीन एरिया, तो नेचर से भी हमने बच्चों को कम्प्लीटली कनेक्ट कर रखा है इसमें। देन अगर आप हमारे टावर्स की हाइट देखेंगे, स्टिल्ट प्लस 14 की हाइट है एंड सारी जो यूनिट्स है वो कॉरन यूनिट है, 4-2 अ कोर यूनिट है, तो डेंसिटी भी बहुत लो है। 22 एकड़ में अगर आप देखेंगे सिर्फ 1200 फ्लैट हैं और पर एकड़ 56 फ्लैट निकल के आते हैं। द बेस्ट पार्ट इज दैट द कंपनी हैज अ लेगेसी ऑफ अ मोर देन ऑफ 40 इयर्स इन अ मार्केट। 40 इयर्स से ये काम कर रहे हैं अप्रॉक्सिमेटली, ये गुड़गांव, भिवानी, कोलकाता, जमशेदपुर एंड मल्टीपल सिटीज़ में काम करते हैं। 10 सिटीज़ में हमारी कंप्लीट प्रेजेंस है, जिसमें भिवाड़ी आ जाता है, जयपुर आ जाता है, पुणे, लवासा, चेन्नई, गुड़गांव, जोधपुर, जमशेदपुर, गुजरात, तो कंप्लीट एक पैन इंडिया प्रेजेंस है हमारी। हमारी मेन 3 USPs रहती हैं जो हमारी सारी ऑल इंडिया प्रेजेंस की है। टाइमली डिलीवरी रहती है, आज तक कोई भी प्रोजेक्ट डिस्पाइट कोविड हमारा डिले नहीं हुआ है। इन हाउस हमारी कंस्ट्रक्शन रहती है, किसी और थर्ड पार्टी पे हम डिपेंडेंट नहीं रहते, इस वजह से हम टाइमली डिलीवर कर पाते हैं, क्योंकि जो हमारी कंस्ट्रक्शन टीम होती है वो इन हाउस होती है। एंड उसके बाद एक बार हम आपको घर दे देते हैं, उसके बाद मेन होती है मेंटेनेंस, कि हमने आपको एक प्रोडक्ट बना के दे दिया, उसके बाद लाइफ टाइम आपको सर्विसेज कैसे दें, उसके लिए हमने इन हाउस मेंटेनेंस रखी हुई है। तो फॉर एवर केयर है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आशियाना ही आपकी केयर करता है और आपको एक वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस देता है। सो सर, वॉट अबाउट द आशियाना फेज 4? लास्ट फेज हमने देखा UI बेसिस पे सोल्ड आउट हो गया, अप्रॉक्सिमेटली 15 मिनट्स के अंदर 224 अपार्टमेंट्स सोल्ड आउट हो गई। एंड अगेन अगर मैं बात करूँ इकोनॉमिक टाइम्स पे, कल एक न्यूज़ भी आई है 440 CR की सेल की है आशियाना हाउसिंग ने फेज 3 में विद इन 15 मिनट्स। सो ये एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स थी।
तो यहाँ पे जो मेजर जो इन्वेस्टर्स हैं एंटर नहीं करते, मेजर यहाँ पे एंड यूजर्स का प्रोडक्ट है, बिकॉज एमिनिटीज आपको सारी मिल जाती हैं, स्पेसिफिकेशंस की कोई कंपैरिजन नहीं है, लोकेशन इज अ न्यू गुड़गांव सराउंडेड बाय द डीएलएफ, डीएलएफ हैज अ मोर देन 300 एकर्स ऑफ अ लैंड पार्सल्स इन अ न्यू गुड़गांव, डीएलएफ के आपको फ्लोर्स मिल जाते हैं, पास में सिग्नेचर के फ्लोर्स मिल जाते हैं, तो व्यू भी आपको अच्छा मिलता है, पास में ही आपको कमर्शियल्स हॉस्पिटल्स सारी चीज़ें आपको एक विक्सिनिटी के अंदर मिल जाती हैं। द बेस्ट पार्ट इज दैट कि यार बिल्डर जो बोलता है ना वो बना के देता है। सो अगर आप सैंपल फ्लैट भी इनका देखेंगे जो हम आपको दिखाएंगे, ये सिर्फ कार्पेट एरिया पे काम करते हैं, तो इससे ज़्यादा स्पेसियस सैंपल फ्लैट इट्स सिक्स साइज में आई डोंट थिंक सो कि आपको मिलेगा, बिकॉज आपको भी पता है कि डिमांड इतनी है ना कि यार सभी को यूनिट्स यहाँ पे अलॉट नहीं हो पाती। सो हम आगे वाली अभी हम सैंपल फ्लैट विजिट करेंगे, सैंपल फ्लैट से पहले हम एक स्ट्रीट ब्लेस स्ट्रीट एरिया एंड पार्क्स एंड ऑल सारी चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। सो प्लीज कम शो यूनिट ऑफ 3 BHK 3 टॉयलेट 1205 कारपेट एरिया प्लस 242 बालकनी। आप जो डोर देख रहे हैं फायर रेटेड डोर है, अगर कल को कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो 1 घंटे तक ही फायर रेजिस्ट कर सकता है। उसके साथ हमारा CP प्लस का वीडियो डोर बेल है जो हमने इस फेज में ऐड किया है। देन अगर आप एंट्री करते हैं कल को कोई थर्ड पार्टी आती है, कोई डिलीवरी बॉय आता है, तो प्रीवियसली आपकी मेंटेन रहेगी, उनको सिर्फ वॉल दिखेगी। देन अगर आप एंट्री करते हैं, एंट्री करते ही हमारा एक छोटा सा फायर आ जाता है, फायर के साथ हमारा लिविंग डाइनिंग कनेक्ट है, आप लिविंग डाइनिंग देखेंगे। हमने सारी चीज़ें इस तरीके से प्लेस करी हुई है कि उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करा हुआ है, उसके बाद भी काफ़ी स्पेशियस है। 30x13 हमारा साइज है इसका, अगर आप उस वॉल से लेकर इस वॉल तक देखेंगे तो 30 हमारा लेंथ है और 13 हमारी विड्थ है, तो एक बहुत ही स्पेशियस हमने लिविंग डाइनिंग बनाया है। देन उसके साथ हमारा जो फ्लैट का USP है, सो दिस इज अ डेक जो बहुत ही कम जगह आपने आज तक देखा होगा, कंप्लीट एक रूम साइज के बराबर हमने डेक बनाया है जिसमें आप रिक्रिएशनल एक्टिविटीज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं, गेट टुगेदर्स कर सकते हैं, इवनिंग पार्टीज कर सकते हैं। हमारी अगर लिविंग डाइनिंग की फ्लोरिंग भी देखेंगे तो हमने लपाटो टाइल्स यूज करी हैं, एक बिगर साइज की जो प्रीमियम लुक देती हैं। ये बेसिकली ग्लॉसी और मैट का मिक्सचर होता है जो कंप्लीट आपके लिविंग डाइनिंग को बहुत ही ब्यूटीफुली एस्थेटिकली आपको इसमें दिखाई दे रही है। देन इसके साथ हमारा किचन अटैच है, जो किचन आप देख रहे हैं मॉड्यूलर किचन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, लोअर स्टोरेज इसमें रहेगी जिसमें हमने सारा हेटिक का मटेरियल यूज करा है, अपर स्टोरेज रहेगी, देन चिमनी रहेगी, हॉब रहेगा, डिश वॉशर रहेगा, एग्जॉस्ट रहेगा एंड गीजर रहेगा। तो कंप्लीट आपको ऑलमोस्ट जो है पूरा मॉड्यूलर किचन हम दे रहे हैं, इसके साथ एक एडिशनल स्पेस और दे रहे हैं आपको जिसको आप मल्टीपर्पज यूज कर सकते हैं, योगा रूम बना सकते हैं, देन आप स्टडी रूम बना सकते हैं, स्टोरेज रूम बना सकते हैं, सो कंप्लीट आप मल्टीपर्पज यूज कर सकते हैं उसका। देन उसके साथ हमारे रूम्स आ जाते हैं, तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो हमारा मास्टर बेडरूम आ जाता है जो काफ़ी ही स्पेशियस है। नीचे अगर आप इसमें भी देखेंगे तो वुडन टेक्सचर टाइल्स हमने यूज़ करी हैं, और ऊपर जो आप देख रहे हैं जो कोव्स आप देख रहे हैं ये भी हम मास्टर बेडरूम के साथ इंक्लूडेड रहेंगे कोव्स। देन रूम इतना स्पेशियस है, उसके बाद भी अगर आप हमारा वार्डरोब एरिया देखेंगे तो आप कंप्लीट यहाँ पे वॉक इन वार्डरोब बना सकते हैं, सो एम्पल स्पेस है यहाँ पे वॉक इन वार्डरोब बनाने के लिए। उसके साथ हमारा वॉशरूम जो है वो कनेक्टेड है, इसमें भी आप मेजर चीजें देखेंगे सब कुछ हमारा इंक्लूडेड रहेगा, रोका और जैगवर की हमारी सारी फिटिंग्स रहेंगी, एंड ऊपर अगर आप वॉशरूम में कोव्स देखेंगे तो कोव्स भी इंक्लूडेड रहेंगे। देन इसके साथ हमारी एक रनिंग बालकनी आ जाती है जो हमारी किड्स रूम के साथ अटैच है, अगेन आपको जैसे मैंने डेक दिखाया था काफी स्पेशियस था वैसे ये बालकनी भी काफी स्पेशियस है, सो अगेन अगर आप देखेंगे 16x5 साइज है इसका एंड काफी स्पेशियस बालकनी है जो हमारी किड्स रूम के साथ अटैच है। देन ये हमारा बेडरूम 2 आ जाता है जो अगेन कम्स विद द वुडन टेक्सचर टाइल्स, एंड इसका वॉशरूम हमने इस तरीके से डिजाइन करा है, दोनों तरफ से हमने एंट्री दी है, आप इसको कॉमन वॉशरूम भी यूज कर सकते हैं, अटैच वॉशरूम भी यूज कर सकते हैं। इसमें भी कंप्लीट हमने जैगवर और रोका की फिटिंग्स यूज करी हैं, और इसमें भी हमने स्पेशली कोव दिया है आपको जो हमने आपको मास्टर बेडरूम में भी दिया है, लिविंग डाइनिंग में भी दिया है, तीनों वॉशरूम्स में दिया है। रूम साइज काफी स्पेशियस है, उसके बाद भी हमने जो एडिशनल स्पेस है वो वार्डरोब के लिए अलग से बनाया है ताकि आपका रूम साइज बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो एंड आपका रूम हमेशा स्पेशियस रहे। देन इसके साथ हमारी यूटिलिटी बालकनी आ जाती है, आप देखेंगे ये हमारी थर्ड बालकनी आ गई, तो हमारी दो डायरेक्शन में बालकनियां हैं, तो प्रॉपर क्रॉस वेंटिलेशन हमने दे रखा है
एंड ये बालकनी भी काफी स्पेशियस आ जाती है आपकी बेडरूम टू के साथ। देन दिस इज आवर बेडरूम थ्री। तो बेडरूम थ्री अगर आप देखेंगे, अगेन ये काफी स्पेशियस है, इसमें भी हमने कंप्लीट वुडन टेक्सचर टाइल्स यूज करी हैं और इसमें भी आपको अटैच वॉशरूम रहेगा, सारी कंप्लीट जैगवार और रोका की फिटिंग्स रहेंगी। एंड इसमें भी हमने स्पेशली जो आपको पहले वॉशरूम से मैंने दिखाया था कोव्स इसमें भी रहेंगे। एंड जो रनिंग बालकनी आपको दिखाई थी वो यहाँ से अगर आप देखेंगे, अगेन अगर आप यहाँ से देखेंगे तो जो रनिंग बालकनी मैंने आपको मास्टर बेडरूम से दिखाई थी वो कनेक्टेड है इससे। सो 1205 कारपेट प्लस 242 बालकनी, उसमें हमने थ्री रूम्स कंप्लीट, एक स्पेशियस लिविंग डाइनिंग, मॉड्यूलर किचन और एक डेक आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो बहुत ही कम जगह पे आपको इतना अच्छा साइज निकल के आता है आज के डेट। सो दिस इज प्ले स्ट्रीट, ये हमने इसलिए डिजाइन करी है ताकि बच्चे जो हैं मेंटली एक्टिव रहें, फिजिकल एक्टिव रहें। अगर आप देखेंगे सारी अमेनिटीज जो देख रहे हैं ये बिल्कुल यूनिक कॉन्सेप्ट हमने बनाया है। ये 14 फीट ऊपर है, कोई भी वहीकुलर मूवमेंट यहाँ पे नहीं रहता, बच्चों की कंप्लीट सिक्योरिटी रहती है और बड़े भी यहाँ पे आके सोशलाइज कर सकते हैं एंड बच्चे भी आके यहाँ पे नए फ्रेंड्स बना सकते हैं। अगर आप देखेंगे इसमें एक्टिविटीज़ देखेंगे सो ये जो आप देख रहे हैं ये मेज़ है, अगर बच्चे इसमें खेलते हैं तो उनकी कॉग्निटिव स्किल्स इंक्रीज होती है। उसके साथ साथ हमने एक किड्स प्ले एरिया बनाया है जो रबराइज है ताकि बच्चे अगर खेले तो उनको चोट ना लगे। उसके साथ हमारे डोर स्टेप एरिया है, जो डोर स्टेप एरिया आप देख रहे हैं हमने 3-4 जगह बनाया है टावर्स के पास ताकि बच्चे जो हैं वो पेरेंट के सर्विलेंस में इजीली खेल सकें। उसके साथ हमने सिटिंग भी बनाई है, जब बच्चे खेलते हैं तो थक भी जाते हैं तो इजीली खेल के वो आराम से बैठ भी सकें। उसके साथ ये देख रहे होंगे आप, कंप्लीट एक ह्यूमन चेस बनाया है हमने यहाँ पे ताकि बच्चे एक मेंटल एक्सरसाइज कर सकें इस पे। देन ये हमारा साइकिल रैंप है ताकि फिजिकली एक्टिव रह सकें बच्चे, साइकिलिंग करके कंप्लीट आप देखेंगे यहाँ पे साइकिलिंग कर सकते हैं वो। देन यहाँ पे हमारा इंटरेक्टिव फाउंटेन रहेगा, वाटर एक्टिविटीज़ रहेंगी। उसके साथ हमारा रिफ्लेक्सोलॉजी गार्डन रहेगा, यहाँ पे इस तरीके से स्टोन्स होते हैं जो एक्यूप्रेशर में हेल्प करते हैं, स्ट्रेस रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। उसके साथ साथ हमारा आप योगा लॉन देख रहे हैं, ये योगा लॉन है, ये ओपन जिम है। उसके साथ अगेन हमारा एक सिटिंग एरिया आ जाता है जहाँ पे पेरेंट्स बैठ सकते हैं, बच्चे बैठ सकते हैं। उसके साथ हमारा एक बारबेक्यू सेक्शन आ जाता है जो फैमिलीज जो हैं इवनिंग में बारबेक्यू कर सकती हैं। उसके साथ कंप्लीट एक ट्री हाउस है, ट्री हाउस इसलिए हमने बनाया ताकि बच्चे जो हैं रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ कर सकें यहाँ पे। देन अगर मैं प्ले जोन की बात करूँ तो हमने हाफ बास्केटबॉल कोर्ट ऐड करा है इसमें, एक कंप्लीट फुल बास्केटबॉल कोर्ट भी है हमारा एडवेंचर पार्क में बट हमने हाफ यहाँ पे भी ऐड करा है। उसके साथ दो हमारे लॉन टेनिस के कोर्ट आ जाते हैं, दो क्रिकेट नेट आ जाते हैं। और आप अमेनिटीज़ अगर आप हमारी सारी देखेंगे, क्लब हाउस, लर्निंग हब, प्ले स्ट्रीट और इसके साथ एडवेंचर पार्क, वो सारे कनेक्टेड है। अगर एक बच्चा या कोई भी फैमिली क्लब हाउस में है तो इजीली लर्निंग हब में भी जा सकते हैं, इजीली प्ले स्ट्रीट पे भी जा सकते हैं और इजीली एडवेंचर पार्क में भी जा सकते हैं बिना किसी व्हीकुलर मूवमेंट के। सो गाइज आपने अमेनिटीज देखी, दीज आर द डिफरेंट अमेनिटीज जो आपको 5 करोड़ रुपीस के अपार्टमेंट्स में भी नहीं मिलती। यू कैन सी द काइंड ऑफ अमेनिटीज विच इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर प्रोजेक्ट्स। सो गाइज आगे अगर हम लर्निंग हब की बात करें तो लर्निंग हब में भी आपको वर्कशॉप, रीडिंग रूम, स्टडी रूम, आर्ट एंड क्राफ्ट रूम, डांस रूम, म्यूजिक रूम, मतलब सारी की सारी चीज़ें ना आपकी विक्सिनिटी के अंदर मिल जाती हैं। सो आपके बच्चों को ना कहीं बाहर जाने की नीड ही नहीं है। इफ़ यू नीड अ ट्यूशन टीचर, इफ़ यू नीड अ डांस क्लासेस, इफ़ यू नीड अ रीडिंग रूम, आपको कोई भी अमेनिटी चाहिए सारी आपको सोसाइटी के अंदर मिल जाती हैं। और यही खास बात है कि इस प्रोजेक्ट को ना ये अदर प्रोजेक्ट से बहुत डिफरेंट बनाती है, तभी ये प्रोडक्ट 15 मिनट्स के अंदर सोल्ड आउट हो जाता है। और 15 मिनट्स के अंदर ऐसा भी नहीं कि यार यहाँ पे इन्वेस्टर्स एंटर कर रहे हो, टोटली एंड यूजर्स प्रोडक्ट है। अगर आप एंड यूजिंग के लिए गुड़गांव में रेजिडेंशियल अपार्टमेंट प्लान कर रहे हैं, आई डोंट थिंक सो कि आपको ये प्रोडक्ट मिस करना चाहिए। इफ़ यू वॉन्ट टू विजिट द प्रॉपर्टी जस्ट टाइप #Aashiyana93 और हमारे दिए हुए नंबर पर हमें कनेक्ट करें, हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी और आपको विजिट करवाएगी। बिकॉज गाइज ये प्रोडक्ट ना अनबीटेबल है, अनबीटेबल के साथ ना अनरिप्लेसेबल भी है। आने वाले टाइम में इस तरीके की अमेनिटीज, इस तरीके की स्पेसिफिकेशंस, इस टिकट साइज में आपको नहीं मिलेंगी गुड़गांव में। सो गाइज डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, हमें कनेक्ट करें और विजिट का शेड्यूल प्लान करें। और पीयूष भाई से भी अगर आप आशियाना आ रहे हैं तो पीयूष भाई से जरूर मिलें, आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द प्रोजेक्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, थैंक यू। सो इफ यू वॉन्ट To know more about this project, just type #Aashiyana93 और नीचे दिए हुए नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।